They started the fight. यहाँ पे ओपे के स्पाई ओपी को जरूर डाउन किया, कंफर्म भी कर देंगे कैप्टन। आई थिंक गॉड्स रेन जैसे खिलाड़ी एंटर करना चाहते हैं वहीं पे उनको तकलीफ देना चाहते हैं कि वो बोल रहे हैं यासनाया हमारा कॉम्पाउंड है, सर्कल यहाँ पे आए, आप कहीं और चले जाओ बट यहाँ पे नहीं। जरूर इसी बीच में गॉड्स रेन की स्क्वाड, इनकी हम बात कर ही रहे थे, ओबेक फाइट में इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी हुआ उनके लिए खतरा बनेगा। बट इसी बीच में ओआर के एडमिनों को किया गया है जॉनाथन के द्वारा नॉकआउट। यंग ब्लड वर्सेस ओल्ड ब्लड का ये मुकाबला हमें देखने का मौका मिलेगा ओआर एंड गॉडलाइक के बीच में, जहां पर एडमिनों को किया गया कंफर्म। बट ये क्या, आप देखिए यहां पर ओआर की जो पोजीशनिंग है ना वो गॉडलाइक के कंपैरेटिव में तो थोड़ा सी बेटर रहेगी। कंपाउंड कवर उनके पास है लेकिन गॉडलाइक के स्क्वाड के पास देखिए ये पूरा का पूरा जो कोस्ट लाइन है वो कंट्रोल में रहेगा। निंजा जॉड इसी बीच में फाइनली ओबे एंड चुका लिया गया है, इंस्टेंट फिनिश निकालने की कोशिश, वो निकाला भी जाएगा एंड गॉड्स दे लूज निंजा। शैडो का एक ग्रेनेड जाके उधर रेकनिंग के ह्यूमनॉइड को कंफर्म करेगा जरूर, बट निंजा का ये एलिमिनेशन ये बहुत भारी पड़ सकता है। शैडो हील अप कर चुके हैं, आते हैं फाइनली एक्वा नॉक्स, एलिमिनेट करेंगे शैडो को एंड ओबे विल बी द फर्स्ट टीम टू गेट टेकन डाउन आज के तीसरे मुकाबले पे। दूसरी ओर गॉडलाइक का फाइट रेकनिंग के साथ, आपने ऑलरेडी बोला ह्यूमनॉइड के ऊपर नॉक निकाला था, इस बार बाबा के ऊपर फिनिश भी निकालते हुए नजर आएंगे। जॉनाथन नाउ रनिंग राइट टुवर्ड्स युवा, लेब्रॉन अगर कवर दे पाएंगे अच्छा हो सकता है, बट पीछे से सोल यहां पे फाइट इनिशिएट करते नजर आ चुके हैं। जॉनाथन नॉक हो जाएंगे, थोड़ा दिक्कत वाली बात बन रही है इसकी वजह से, क्लच गॉड सोचते गाड़ी तोड़ देंगे, यहां पे सोल को कोई एडवांटेज नहीं मिलना चाहिए। देखिए गाड़ी फूट चुकी है ऑलरेडी बट खतरा कम नहीं हुआ है क्योंकि रेकनिंग के प्लेयर्स के पास जो है वो अपर काउंट का एडवांटेज रहेगा। युवाओं पे ग्रेनेड कुक कर रहे हैं, अगर कनेक्शन बना तो काफी बढ़िया रहेगा, ग्रेनेड जाएगा कनेक्शन नहीं बनने वाला है एंड टीम सोल के जो स्प्रेज आ रहे दूर से वो भी गॉडलाइक को काफी परेशानी में डाल सकते हैं। सक्सेसफुली उन्होंने जो है जॉनाथन को रिवाइव दे दिया है एंड अभी रेकनिंग के ऊपर पूरा का पूरा फोकस आएगा। बट ओआर के जेली वो काफी टाइम से इसी मौके का इंतजार कर रहे थे क्योंकि ओआर के एडमिनों को देखिए गॉडलाइक ने ऑलरेडी शट डाउन किया था, तो इस कारण इनके पोजिशन के बारे में भी पूरा इंटेल हैंड जेली, ना सिर्फ गॉडलाइक वो रेकनिंग को भी परेशान कर रहे। युवा को नॉक कर दिया है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कंफर्मेशन भी उनको जो है कुछ ही देर में मिलने वाला है। लेब्रॉन आखिरी खिलाड़ी रेकनिंग की तरफ से इज मूविंग लेफ्ट एंड राइट बट आखिर में दिख जाता है कि सीधा गाड़ी में बैठ के निकल चुके हैं लेब्रॉन, अंडरस्टैंडिंग। सो अनलेस समवन डिसाइड्स टू स्लैम ऑन टू सोल्स कंपाउंड एंड टेक देम डाउन, कोई भी खतरा टीम सोल को उतना नहीं होगा। हार्ड कवर के पास एक शैक है जो अभी सर्कल के अंदर ही रहेगा। गॉडलाइक उनको स्पॉट कर चुके, स्प्रे करते हुए नजर आएंगे, वो तोड़ते हुए नजर आएंगे वहां पे अगर वो और देर तक जिंदा रहेंगे। बट गॉडलाइक एक और दिक्कत से यहाँ पे उलझना पड़ेगा कि सर्कल के बाहर है एंड जहां से भी वो एंट्री ले रहे हैं पूरा ओपन है एंड वहां से वीएसटी है, ओरांगटन है एंड सामने राइट एज पे 7C की टीम भी रहने वाला है एंड गॉडलाइक डिसाइड कि लेफ्ट फ्लैंक करेंगे, टीम को खत्म करेंगे, उसके बाद सर्कल का एंट्री। वीएसटी को स्पॉट कर चुके हैं, शैडो इनिशिएट्स द स्प्रे, नॉट गोना बी इजी बिकॉज़ देखिए यहां पर वीएसटी के पास एडवांटेज है, बट जॉनाथन ही डिसाइड्स टू जस्ट रन डाउन प्लेयर 5 विद द व्हीकल और इसी बीच में देखिए एक और टीम खत्म होते हुए नजर आएगी वीएलटी के हाथों जो रहने वाली है मिसफिट्स की। जॉनाथन क्लीन अप करेंगे जरूर, ऑफपिन में स्पॉट कर लिया गया, क्लच गॉड को घबरा दो, अभी भी प्रो डाउन होकर बैठे हुए हैं, टीबीएस के शॉट्स लिए जाते हैं बट रिटर्न में भी टीबीएस चलता है गमला बॉय का, बट कंफर्मेशन लेके जाएंगे इस फाइट में ओरांगटन की टीम जिन्होंने पेशेंस कंपोजर एंड ट्रिगर डिसिप्लिन दिखा के एक टीम को कर दिया है खत्म। उनका अगला खतरा अगला टारगेट रहेगा गॉडलाइक। देखिए उन्होंने मेडल को भी वहां पे खत्म करके दिखाया, दैट्स द रीजन दे हैव द शैक कंट्रोल, बट गॉडलाइक प्लेयर्स को वापसी लेके आना चाहते हैं। क्लच गॉड अभी भी रिवाइव होते हुए नजर आ रहे हैं, गॉडलाइक ट्राइंग टू पुश अप बट ओजी लूजिंग प्लेयर्स लाइक दिस, उनके पास भी कैजुअलिटीज है इन टर्म्स ऑफ नॉक्स, अगर वो नॉक प्लेयर्स को रिवाइव कर पाए ये मैच और देर तक चालू रह सकते हैं। सबसे बेहतरीन पोजीशन था यहाँ पर एंग्री एप के पास बट उनको भी जॉनाथन देख चुके हैं, गाड़ी निकाली गई, एफपीपी मोड पे स्विच किया, जॉनाथन तैयार है पुश करने के लिए, स्वयं ही रहेगा कंपाउंड पे, एकेओपी बाहर आते हैं बट शैडो का एम4 नहीं रुकेगा, एकेओपी को किया जाएगा नॉक, सीधा गार्ड में पड़ने के लिए तैयार, फिर गार्ड को भी किया जाता है नॉक, अकेले एक प्लेयर क्या कुछ कर पाएंगे, अकेले बचे हुए हैं एंग्री एप एंड उनके ऊपर भी देखिए खतरा बन रहा है, कनेक्शन बनेगा, इंस्टेंट नॉक, इंस्टेंट फिनिश एंग्री एप के द्वारा, बदला लेने की कोशिश बट हो नहीं पाएगी, जॉनाथन कम्स इन क्लीन्स अप हाउस, नो फिनिश पॉइंट के साथ गॉडलाइक आती है टॉप 8 में, दे आर लुकिंग अनस्टॉपेबल, सर्कल के बाहर सारे जो टीम्स थे उनको क्लीन अप कर चुके हैं एंड फाइनली
के सैन जो वेलोसिटी की तरफ से थे इमॉर्टल, उनको खत्म करते हुए नजर आएंगे। सेवन सी ऑन द अदर एंड गॉडजेन के नजदीक में है, उनके पास भी एक कॉम्पाउंड देने वाले गॉडलेस जंपिंग ऑन अनदर टीम मेडल पे आखिरी खिलाड़ी कियोया, उनके ऊपर टूट पड़ेंगे। नॉट द लास्ट प्लेयर, पैडॉक्स अभी भी जिंदा है, कॉम्पाउंड के पीछे से आगे आने का मौका ढूंढ रहे हैं, बट शैडो विल बी द लास्ट प्लेयर, खत्म हो जाएंगे। एंड दूसरी ओर से स्प्रे आया था फ्रॉम वेक्सी। सेवन सी स्पोर्ट्स फाइनली मेडल को एलिमिनेट करके गॉडलाइक को थोड़ा ब्रीडिंग स्पेस दिए हैं, पर देखिए इन सब क्या करते हैं। सी गॉडलाइक आल्सो हैज टू अंडरस्टैंड कि उनको वहां से निकलना पड़ेगा, बट इसी बीच में टीम सोल हैव डिसाइडेड वो चढ़ेंगे सीधा फाइट में, वो खोल से जाएंगे गॉडलाइक के ऊपर। आगे आते हैं अक्षत, एक नॉकआउट मिल चुका है, कंफर्मेशन इंस्टेंटली दिया जाएगा। जोनाथन ऑन द अदर साइड, अक्षत ऑन द अदर, ये वन वर्सेस वन एंड टच रहेगा, बट गॉडलाइक इज क्लीनड अप बाय टीम सोल। उन्होंने डिसाइड किया कि फाइट लेंगे, फाइट लिया, गॉडलाइक को इस पोजीशन से निकाला है, बट उनको भी जोन के मारने की बहुत ज्यादा है जरूरत। इसी दौरान आखिरी खिलाड़ी गॉड्स रॉबिन, वो एक खिलाड़ी को नॉक जरूर करेंगे, बट ही नीड्स टू अंडरस्टैंड अकेले खिलाड़ी है, सर्कल के बाहर रहने वाला है। दूसरी ओर ब्लाइंड की टीम जो